नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं, पूर्व सीएम हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो हम भी एक्शन लेंगे, हमारी पार्टी में छेड़छाड़ की तो हम इसका जवाब देंगे, हमारी पार्टी से छेड़छाड़ की अगर कोशिश की बीजेपी ने तो हम इसका जवाब देंगे। हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि हमारी पार्टी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो हम इसका जवाब देंगे, एक्शन लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए तो हम भी एक्शन लेंगे, हमारी पार्टी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो इसका भी जवाब हम देंगे और इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है। लगातार दल बदल की राजनीति देख रहे हैं हम और इसी कड़ी में चुनाव बेहद पास है और ऐसे में पार्टी से अगर बीजेपी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो हरीश रावत इसका जवाब देंगे, वो एक्शन लेंगे, ये चेतावनी उन्होंने बीजेपी को दी है। हमारे सामने यदि हमको वही करना हो जो भाजपा चाह रही थी तो फिर हम और भाजपा में अंतर क्या है? हम केवल भाजपा के दुष्कृत्य का जवाब देंगे। यदि वो हमारी पार्टी में कुछ और छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम भी उनको जवाब देंगे। और इस बीच आपको दिल्ली से एक बड़ी जानकारी दे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान भी सामने आया है, कांग्रेस में छेड़छाड़ की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गोदियाल का ये बयान आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उन्होंने भी बीजेपी को चेतावनी दी है, सुनते हैं उनका पूरा बयान। आपने देखा बीजेपी ने ये खेल शुरू किया और हमारे एक विधायक को अपनी तरफ खींचने में वो सफल रहे, लेकिन हमने उनका एक मंत्री और एक विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे साथ आए, ये हमारी जीत है। हमने कहा कि बीजेपी को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो खेल बीजेपी ने शुरू किया है हम उसको पूरा हम करेंगे। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपने पूरा बयान भी गणेश गोदियाल का सुना, उससे पहले हरीश रावत का बयान भी हमने आपको सुनवाया। दरअसल चुनाव बेहद पास है और ऐसे में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से ही इस तरीके की चेतावनी कांग्रेस दे रही है। हरीश रावत ने बीजेपी को सीधे और साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी ने कोशिश की, पार्टी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो उसका जवाब भी देंगे। गणेश गोदियाल ने भी कहा कि चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश करे कांग्रेस टूटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की तरफ से कोई खेल खेलने की कोशिश की जाती है तो फिर उसका जवाब हम देंगे और उसके लिए पहले से हम तैयार है। कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेता हैं, इन दोनों ही बड़े नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी है। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पंकज, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में हमने देखा कि कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी का दामन भी कुछ दिन पहले थामा था और अब कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी है, क्या कोई और ऐसी खबर है क्या कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जा सकता है? किस बात को लेकर ये बीजेपी को चेतावनी दी गई है? देखिए जया, दोनों ही पार्टियों की सेंधमारी एक दूसरे दलों पर चल रही है। पहले सबसे पहले शुरुआत ही भाजपा ने की थी, भाजपा ने पुरोला विधायक को तोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, लेकिन उसके अगर हम उलट देखें तो कांग्रेस ने भाजपा को बहुत बड़ा झटका देकर यशपाल आर्य को भाजपा में शामिल कराया था। ये दोनों चीजें लगातार इस तरह से चुनाव के दौरान चल रही है कि एक दूसरे पार्टियों को मात देने की कोशिश चल रही है। भाजपा को अगर भाजपा लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस के कई विधायक अभी भी उनके संपर्क में है, कई नेता संपर्क में, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं और यही दावा कांग्रेस द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि चुनावी वक्त बहुत करीब है और इस वक्त से पहले पहले जो भी नेता एक दूसरे दल में जाएगा उससे कहीं ना कहीं वो अपने टिकट को कंफर्मेशन लेकर जाएगा कि उसको उस पार्टी में टिकट मिल जाए। इसी को लेकर ये चुनौती भाजपा को दी गई है हरीश रावत की ओर से कि यदि भाजपा ने कांग्रेस के अंदर सेंधमारी की, फिर से किसी को तोड़ने की कोशिश की तो भाजपा को बड़ा झटका कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उनके संपर्क में 7 से 8 विधायक भाजपा के हैं और कई मंत्री भी उसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता
लगता है कि एक अपने दल को छोड़कर, अपनी चुनावी तैयारी को छोड़कर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे एक दल पर सेंधमारी कर रहे हैं ताकि वो चुनाव के दौरान एक ऐसे बेहतर नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा सकें जो चुनावों में जीत हासिल कर सके। इस तरह की तैयारी चल रही है। इसी वजह से ये हरीश रावत ने भाजपा को चुनौती दी है कि भाजपा ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ पार्टी से बिल्कुल, और चुनावों के दौरान इस तरीके की तस्वीरें बनती हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए पंकज। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस चुनाव में टिकटों को लेकर महिला कार्ड खेल सकती है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि चुनाव के दौरान महिला प्रत्याशियों को टिकटों में तरजीह दी जा सकती है। दरअसल जिस तरीके से यूपी में प्रियंका गांधी ने टिकटों में 44% महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, ठीक वैसे ही कवायद अब उत्तराखंड में होती हुई दिखाई दे रही है और अब कांग्रेस महिला उम्मीदवारों पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर प्रियंका गांधी की तरफ से हमें देखने को मिली। यूपी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में कवायद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मैं उनके वकील के लिए काम, वकील के तौर पर काम करूंगा। जहां टक्कर स्पष्ट भी नहीं होगी तो वहाँ भी हम महिला के पक्ष में लूडेज मानेंगे परिस्थितियों को और महिलाओं को अवसर देंगे। और चलिए इस बीच आपको लगातार जो बड़ी जानकारी हम दे रहे थे कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की तो फिर उसका कड़ा जवाब हम देंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका एबीपी गंगा पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव पास है तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये बात समझना चाहूंगी कि किस बात को लेकर आप इतने गुस्से में दिखाई दिए। आपने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर पार्टी से छेड़छाड़ की गई तो इसका जवाब दिया जाएगा, कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, पार्टी से छेड़छाड़ तो भाजपा ने शुरू की जी। उन्होंने हमारे पुराना के विधायक बहुत सीधे सज्जन आदमी बेचारे, उनका दल बदल करवा दिया। तो उनको उन्होंने दल बदल करवा दिया तो हमने भी जवाब दिया, और यदि फिर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम जवाब देंगे। नहीं तो आइए, एक सामान्य स्थिति में चुनाव में जाते हैं और जैसे दो प्रतिद्वंदी लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। जी हरीश रावत जी, क्योंकि यशपाल आर्य वापस आ चुके हैं कांग्रेस में, तो जवाब तो आपने दे ही दिया है बीजेपी को, लेकिन ये दावा भी आप लोगों की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं। यशपाल जी के आने को हम दल बदल नहीं मानते जी। साधारण स्थितियों में उस समय गए थे, नहीं तो जिस समय सरकार के सामने चुनौती, सरकार बचाने की पार्टी के सामने चुनौती थी, उस समय यशपाल आर्य पार्टी के साथ खड़े थे जी। तो लेकिन ये भी भाजपा हमारी पार्टी के कुछ लोगों को प्रलोभन देती है तो दे, या कुछ बात करती है, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करती है और चीज करती है, सब कोशिशें भाजपा की तरफ से हो रही है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है हरीश रावत जी, इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र भसीन भी हैं बीजेपी से, उनका भी पक्ष जानते हैं। देवेंद्र भसीन जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी, बहुत कड़ा मैसेज है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कि अगर आप लोगों ने कांग्रेस से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। वो जवाब आपको दे भी चुके हैं, लेकिन उनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि दल बदल की राजनीति, तोड़ने की राजनीति आप लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस को हमें क्या कहना है, कांग्रेस खुद ही धीरे धीरे सागर की ओर जा रही है और स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी हमारे सामने है और पूरे देश में भी है। और हरीश रावत जी तो पंजाब से होकर के आए हैं, जो हालात पंजाब के उनकी उपस्थिति में प्रभारी के नाते रहे, अब मैं क्या टिप्पणी करूं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हालात है, उत्तराखंड में भी वैसे ही चल रहा है। बाकी ठीक है, तो नेताओं को उन्होंने कुछ समझा के ले लिया होगा, लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा का संगठन मजबूत है और हम इसे प्रहार हम नहीं करेंगे। प्रहार तो कांग्रेस अपने ऊपर खुद ही कर रही है, और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की खेमेबंदी है, जिस प्रकार से हरीश जी का गुट है, प्रीतम जी का गुट है, वगैरह वगैरह कई प्रकार की बातें हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इनके घर की समस्या है, अपने घर को संभालने बहुत बेहतर होगा, और हम किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे।
जी, लेकिन देवेंद्र भसीन जी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात वो कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कांग्रेस लगातार 2 से 3 दिन से ये दावा कर रही है कि 7 से 8 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। देखिए कांग्रेस के अंदर जो हालात है उसमें कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाने को तैयार होगा ये मुझे संदेह है। ये केवल वातावरण निर्माण का काम कर रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्थितियां उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अब यशपाल जी गए किसी निजी कारण से गए, कुछ उनके संग स्थितियां दूसरी रही होंगी अपने जो उनको हाईकमान ने समझाया होगा, लेकिन जहां तक हमारा उत्तराखंड का सवाल है बीजेपी का जी, तो हमारे यहाँ से कोई जाने वाला नहीं और डूबते जहाज पे तो कोई व्यक्ति चढ़ना भी ठीक नहीं है। वैसे भी ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं, आप आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी से जोड़ तोड़ कांग्रेस नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे, देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूं। पूरा बयान हरक सिंह रावत का सुनते हैं। मैं अपने इस कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मैंने कोटद्वार में ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम था उसमें भी ये बात बोली। मैंने ऐसे नहीं कि केवल मीडिया से बोली, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये बात बोली। उसके बहुत सारे कारण मैंने गिनाए, एक तो 2 साल हमारे कोविड के कारण निकल गए, तो मैंने खुद ही कहा कि भाई ये जो हमारा कार्यकाल मेरा रहा, दुर्भाग्य से मैंने कोटद्वार के लोगों से कहा कि जो मैं मतलब मेरे भाव था, मैं कोटद्वार के लिए करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सियासी सरगर्मी के बीच में विजय बहुगुड़ा देहरादून पहुंचे, हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल और उमेश काउस से विजय बहुगुड़ा मुलाकात करेंगे, इस बात की जानकारी है। ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, विजय बहुगुड़ा पहुंच चुके हैं देहरादून, जानकारी है कि वो हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल उमेश काउस इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या इसके मायने हैं? आशा देखिए, जैसा पिछले दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में घटनाक्रम चल रहा है, जैसे तोड़फोड़ का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, तो कांग्रेस ने उसके जवाब में इनके कैबिनेट मंत्री यशपाल राजे जो प्रदेश का बड़ा दलित चेहरा है और उनके बेटे विधायक, दोनों को तोड़कर भाजपा को करारा जवाब दिया। और उसके बाद से ये कयासबाजी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस के जितने भी लोग आए थे, जिनमें हरक सिंह रावत, प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, उमेश मकाऊ, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा, तो तमाम ऐसे लोग थे जिनके जाने की अटकलबाजियां, कांग्रेस में वापसी की अटकलबाजियां शुरू हो गई थी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है, इसीलिए भाजपा हाईकमान ने बहुगुणा को देहरादून भेजा है और उनसे ये कहा है कि उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि जितने भी लोग यहाँ पर कांग्रेस से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में हैं, हरक सिंह रावत समेत, उन सभी लोगों से बातचीत करके उनकी क्या पीड़ा हो सकती है और क्या उनकी शिकायतें उनको समझा जाए, क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो पहले भी अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। लेकिन अभी विजय बहुगुणा इनके साथ क्या बैठक करेंगे, उसमें एजेंडा क्या होगा, तो लेकिन माना ये जा रहा है कि उनको समझाने बुझाने के लिए विजय बहुगुणा यहाँ आ रहे हैं, लेकिन नई रणनीति क्या होगी इसका शाम तक खुलासा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।